हेलो माय ब्यूटी क्वींस आज के मेकअप ट्यूटोरियल में देखेंगे नई दुल्हन शादी के बाद रोजाना का सिंपल मेकअप कैसे करें स्किन प्रेप स्टेप्स के साथ मैं मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ एवरीडे का इजी सिंपल स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी और रोजाना में सिंपल मेकअप करने का तरीका भी बताऊंगी तो so, चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्किन प्रेप स्टेप्स के साथ सो so, सबसे पहले स्टेप में मैंने लिया है बायोडोमा सेंसी बायो एच ये नॉन रिंस क्लिंजर दुनिया का फर्स्ट मसाला वाटर है ये चेहरे के ऊपर से मेकअप डर्ट सनस्क्रीन पॉल्यूशन और इवन वाटर प्रूफ मेकअप को जेंटली और डीपली रिमूव करने में हेल्प करता है साथ ही ये कुलिजन को भी बूस्ट करता है और स्किन को टाइटन करने में भी मदद करता है और ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा भी प्रिस्क्राइब किया जाता है सो so ब्रेकआउट्स को अवॉइड करने में भी ये प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल है तो सबसे पहले स्टेप में कॉटन पैड के ऊपर बायोडर्मासेंसी बायो एच टू ओ के कुछ ड्रॉप्स लेके मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मेकअप करने से पहले मेक श्योर sure करना है आपको आपकी स्किन अच्छे से क्लीन होनी चाहिए इसलिए डबल क्लिनजिंग मेथड हमेशा फॉलो करें डबल से ब्रेकआउट व्हाइटहेड्स हेड्स और पिम्पल से भी बचाव होता है सो सेकेंड स्टेप में मैंने लिया है जेल मोसेट फेस वॉश यह स्किन को हाइड्रेट और रेडियंट स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है इसमें विटामिन ई e है और यह यूवीए रेज के डैमेज को कम करने में भी मदद करता है एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करके रखता है और पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता फिंगर टिप के ऊपर थोड़ा सा फेस वॉश लेके सर्कुलर मोशन में इसको फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद सादे पानी से चेहरे को धोके मैं मूव ऑन कर रही हूँ स्टेप नंबर थ्री पे जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करने का मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ले रही हूँ बायोडोमा एटोडॉम क्रीम इस क्रीम में नाइसनामाइड है जो स्किन के ऊपर हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में और स्किन बैरियर को रिपेयर करने में मदद करता है ऑल्सो ये क्रीम ट्वेंटी आवर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ बनी रहती है ऑल डे लॉन्ग और अभी सर्दियाँ भी हैं तो सर्दियों में आप इस क्रीम को जरूर चेकआउट कीजिएगा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ये स्किन को हाइड्रेट करके रखती है सॉफ्ट और सफल बनी रहती है स्किन इसके साथ साथ अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल ए एच ए या बी एच ए वाले सिरम भी यूज कर रहे हो तो भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो एज अ लास्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन सो यहां पे मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया इसको मैंने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है इन प्रोडक्ट्स के मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो वहां पर आप चेकआउट कर लेना और ये सारे बायोडामा प्रोडक्ट्स जो हैं ये मेड इन फ्रांस हैं सो ये रोजाना के लिए एक सिंपल स्किन केयर रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो ईजी स्टेप के साथ अब रोजाना में नई दुल्हन के लिए सिंपल आसान मेकअप करने का तरीका जो मैं बताने वाली हूँ इट्स वेरी क्विक एंड ईजी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंसीलर लिया है उसको फुल फेस के ऊपर आईलिड के ऊपर भी अप्लाई किया और फिंगर टिप के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ रोजाना में सिंपल मेकअप करने के लिए आप सीसी -सी क्रीम या बीबी -बी क्रीम भी यूज कर सकते हैं मैंने कंसीलर का यूज़ किया क्योंकि इसकी कवरेज ज्यादा बेहतर रहती है स्टे बढ़िया रहता है फुल डे बार बार आपको टचअप नहीं करना रहता लॉन्ग लास्टिंग रहता है बेस इसके साथ साथ चेहरे के ऊपर अगर डार्क स्पॉज है हाइपरपिगमेंटेशन हमें लाजमा है तो उसको भी कवर करने में कंसीलर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है देन नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ जेल बेस्ड काजल पेंसिल ये काफ़ी जेट ब्लैक काजल पेंसिल है इसको मैंने लोअर और अपर वाटर लाइन के ऊपर टाइट लाइन कर अप्लाई कर लिया है और इसी काजल पेंसिल के साथ मैं हल्का सा ब्राउज को फिल कर लूँगी जब हम रोजाना में सुबह के टाइम खास करके जब हम मेकअप कर रहे होते हैं रेडी हो रहे होते हैं तो ज़्यादा समय नहीं होता हमें क्विक मेकअप करना होता है और हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप अच्छा भी दिखे तो उसमें आप काजल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो मेक श्योर कि आपको बहुत ज्यादा टाइटली नहीं होल्ड करना लाइटली जस्ट पे हल्के हल्के गैप्स हैं उन एरियाज़ को ही फिल करें इसके बाद मैं ले रही हूं लिप एंड चीक टिंट फिंगर टिप के ऊपर लिप एंड चीक को लेके सबसे पहले मैंने उसको लिप्स के ऊपर अप्लाई किया देन इसी लिप लिप एंड एंड चीक चीक को मैंने चीक्स के ऊपर डॉट करते हुए अप्लाई कर लिया जो है ये ज़्यादा क्रीमी होते हैं तो सर्दियों में खास करके बहुत ही बढ़िया हाइड्रेटेड लुक मेंटेन रखते हैं चेहरे के ऊपर नेचुरल भी दिखते हैं और हल्का सा नेचुरली ब्लशी पिंक चीक्स का लुक भी आ जाता है तो इसी टिंट को मैंने चीक्स के ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया और इसी टिंट को थोड़ा सा फिंगर टिप के ऊपर लेके मैंने आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर लिया ताकि आंखें भी जो है हल्की सी ब्राइटन अप हो जाए तो जब आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल वे में यूज करते हो तो मेकअप करने में आपका समय भी बचता है और आप जल्दी और इजी क्विक मेकअप भी कर पाते हो और मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपर एंड लोअर लैशेस के ऊपर लैशेस uh, के ऊपर मस्कारा अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा जो प्रोडक्ट वॉन्ट के ऊपर रह जाता है उसके साथ मैं ब्राउज को भी सेट कर रही हूँ इससे ब्राउज अपनी जगह पे टिके भी रहते हैं थोड़ा सा लुक और इंटेंसीफाई हो जाता है एंड ध्यान बस ये रखना है कि आपको एकदम मस्कारा वॉन्ट जब यू uh, नो you know, प्रोडक्ट से लोडेड हो तब उसको ब्राउज के ऊपर यूज ना करें इट कैन क्रिएट अ मेसी लुक और ये है फाइनल लुक मैंने बस बिंदी ऐड की है और ईयर के साथ लुक को एक्सेसराइज किया और जूड़ा बन बना लिया है सो so, रोज़ाना में नई दुल्हन शादी के बाद मेकअप कैसे करें एवरी डे का सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल आज मैंने शेयर किया स्टेप बाय स्टेप और सिंपल स्किन केयर रूटीन स्टेप्स भी आपको बताए हैं प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और अगर आज का मेकअप करने का तरीका वीडियो अच्छी लगी है तो होने वाली न्यू ब्राइड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई